बेसवा माता मंदिर के नवीनीकरण की डिजाइन को मंगलवार को मंदिर परिसर में पहुंचे सांसद रोडमल नागर, विधायक कुंवर जी कोठार और कलेक्टर नीरज कुमार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मंदिर का नवीनीकरण करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। बेसवा माता में प्राचीन माँ बीजासन माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। लोगों की अगाध श्रद्धा इस पर है। लोग दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन दरबार में आते हैं। मंदिर के नवीनीकरण में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व नागरिकों ने भरपूर सहयोग दिया है। इनकी मदद से मंदिर में सत्संग व भजन के लिए एक बड़ा हॉल, साथ ही यात्री प्रतीक्षालय व दर्शन करने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। बहुत प्राचीन काल से जागृत स्थान है और लोगों की अगाध श्रद्धा इसके ऊपर है। असंख्य लोग यहाँ पर आते हैं, तो माता रानी ने ही प्रेरणा दी है हम सब लोगों को कि यहाँ पर एक दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसी की प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं और सारे समाज को, सारे क्षेत्र को, सबको साथ में लेकर के, सारा प्रशासन मिलकर के, सारे जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर के, सारे क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ पर एक दिव्य भव्य मंदिर बने, हॉल बने, प्रवचन हॉल बने, सत्संग भवन बने, संत कुटीर बने, भजन कीर्तन के लिए अलग से जो व्यवस्था हो, और यहाँ का परिसर एक जो है राष्ट्रीय स्तर का एक ये परिसर बने, अच्छा परिसर बने। चाहे जितने दुकानदार होंगे, जितने फूल वाले हैं, सामान वाले हैं, उनके लिए स्थान तय हो जाएँ, कुछ बगीचे हो जाएँ, रुकने की व्यवस्था हो जाए, यात्रियों के प्रतीक्षालय हो जाएँ, धर्मशाला हो जाए, भोजन बनाने की जगह हो जाए। और जैसा कि यहाँ पर अपने नक्षत्र वाटिका का विचार किया है, लगभग वो पूरे होकर के आ रही है, तो उसके दर्शन, उसकी परिक्रमा, उसकी व्यवस्था हो जाए, और भी जो आयाम हो सकते हैं, यहाँ इतनी बड़ी पहाड़ी है, तो माता रानी के दरबार में लोगों का जो आते हैं लोग, जो प्रेरणा लें, वो प्रेरणा लेकर के साथ में अपने जीवन को कैसे सुखी करें, तो अपना जीवन यापन करने के तरीके भी यहाँ हमने जो आजीविका मिशन के माध्यम से प्रगति संस्थान बनाया है। बीजासन माता जी का जो मंदिर के लिए एक विचार आया और माता जी का आदेश हुए हैं कि यह मंदिर जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, तो इसके लिए सांसद जी का, कलेक्टर साहब का और भी ऊपर भी, जैसे बताया सांसद जी ने, हमने सीएम साहब से बात की है, उनका भी सहयोग रहेगा, तो यह बहुत ही जल्दी हमारा मंदिर, भव्य मंदिर माता रानी का बनेगा। और इसके लिए हम सभी का सहयोग रहेगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बहुत जल्द कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। आर्किटेक्ट के माध्यम से वह 3D पर प्रदर्शन व डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है। 1 महीने के अंदर कार्य शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। आज माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के साथ बीजासन माता मंदिर जी का अवलोकन करके यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाई गई है उसको लगभग फाइनल स्वरूप दिया गया है, और इस डिज़ाइन के बेसिस पर 3D डिज़ाइन अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हमारा प्रयास है कि 3D डिज़ाइन सभी की सहमति से अप्रूवल लेने के बाद इस दिव्य स्थान पर कार्य प्रारंभ किया जाए। बता दें कि पुजारियों को ड्रेस कोड के लिए समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पहचानने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आजीविका प्रगति संस्था भी बनाया गया है, उसे भी विकसित करने का कार्य किया जाएगा, उसके लिए भी कार्य प्रणाली बना रही है। राजगढ़ से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।